जो लीनियर इक्वेशन होती है वो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो के बराबर होती है, और अगर हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो ये बिल्कुल सीधी लाइन खींचती है। तो यहां पर मैं दो लाइनें ले लेता हूं, पहली स्ट्रेट लाइन जो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो को रिप्रेजेंट करेगी, और एक दूसरी लाइन में ले लेता हूं l2 जो कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो को रिप्रेजेंट करेगी। अब यह तीन केसेस बनते हैं। पहला केस, फर्स्ट केस, जब दोनों लाइनें एक दूसरे से टकरा रहे, जब दोनों लाइनें एक दूसरे से टकरा रहे, लेट सपोज पहली लाइन ये रही और दूसरी लाइन ये रही, तो ये लाइन l1 और ये लाइन l2 दोनों एक दूसरे को काट दे। सेकेंड केस यहां पर बनता है जब दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल बन रही हो, एक तो ग्राफ ऐसा बन सकता है। तीसरी जो यहां पर कंडीशन बनती है, थर्ड कंडीशन होती है कि जब एक लाइन दूसरी लाइन के ही ऊपर आ जाए, मतलब पहली लाइन ये थी तो दूसरी लाइन ये आ जाए, मतलब लाइन l1 और लाइन l2 एक के ऊपर एक आ जाए, ये लाइन l1 और ये लाइन l2, ये तीन केसेस हमारे बनते हैं। तो जैसा कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ये देखा था कि जितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं पॉलीनोमियल में, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, उतने नंबर ऑफ जीरोस होते थे, जितने कटिंग पॉइंट उतने नंबर ऑफ जीरोस। यहां पर मैं देख पा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एक ही कटिंग पॉइंट है बीचों बीच, तो यहां पर कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ओनली वन नंबर ऑफ जीरोस। ये ओनली वन नंबर ऑफ जीरोस को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, इसे हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन होगा क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है। अगर मैं यहां पर आता हूं तो यहां पर तो कट हो ही नहीं रही दो लाइनें, तो इसलिए हम इस पार्ट को बोलते हैं नो सॉल्यूशन, यहां कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। फिर इस पर आते हैं, यहां तो बहुत सारे पॉइंट मुझे मिल जाएंगे, जितने मर्जी पॉइंट ले लो एक लाइन पर, इन्फाइनाइट पॉइंट होते हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम यहां पर बोलते हैं इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, जहां पर बहुत सारे पॉइंट कट हो वहां बहुत सारे सॉल्यूशन हमें मिल जाते हैं। तो ये जो हमारे पास लाइन का सिस्टम है, इस लाइन के सिस्टम को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये जो लाइन का सिस्टम है इसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में हमेशा नो सॉल्यूशन होगा क्योंकि यहां इंटरसेक्शन ही नहीं होता। इसे हम बोलेंगे हमेशा को इंसिडेंट लाइन, क्योंकि ये कोइंसाइड हो जाती है एक के ऊपर एक, तो को इंसिडेंट लाइन्स। तो ये तीन केसेस हमने यहां पर देखे। इंटरसेक्टिंग लाइन में सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, यहां कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इसे नो सॉल्यूशन बोलते हैं, और यहां पर बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं जिस वजह से इसे इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं। अब बात आती है कंडीशन की। जैसा कि हम जानते हैं L1 लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू जीरो, L2 लाइन की कंडीशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ध्यान से देखना कि सिर्फ ये एक पॉइंट को छोड़कर सब जगह मुंह बनाते हुए जा रहे हैं, मतलब ना इसका x मैच करेगा ना इसका y, दैट मीन्स x और y इनके कभी मैच ही नहीं करेंगे क्योंकि सबके अलग अलग पॉइंट है सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर। तो इनकी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये हमें याद रखना है। इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर कॉफिशियंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ x ऑफ द लाइन 2, कॉफिशियंट ऑफ y ऑफ अ लाइन 1 डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ अ लाइन 2। सो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये पहली लाइन की इक्वेशन है, फिर यहां पर अगर मैं बात करूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पर सब जगह जैसा ये चल रही है वैसी ये चल रही है, लेकिन बस एक फर्क आ रहा है इनके डिस्टेंस का। ये अपनी जगह पर जो डिस्टेंस का गैप आया बस ये अलग है, बाकी x और y की डायरेक्शन जो है वो सेम है,
जिस वजह से पैरेलल लाइन की जो कंडीशन होती है वो हो जाती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये पोर्शन मेरा बना, तो ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की। कोइंसिडेंट लाइन पर आते हैं, कोइंसिडेंट लाइन पर तो सारी चीजें सेम हो जाती है। L1 पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। L2 पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। मतलब कोइंसिडेंट लाइन पर तीनों ही कंडीशन इक्वल हो जाती हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये तीनों चीजें हमें याद करनी है। सबसे पहली बात मैं रिपीट कर दे रहा हूं, इंटरसेक्टिंग लाइन में यूनिक सॉल्यूशन होता है कंडीशन a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। पैरेलल लाइंस के अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। कोइंसिडेंट लाइन के अंदर सब कुछ डायरेक्शन डायरेक्शन सब सेम होती है, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। आंसर क्या था?